शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपके घर पर किसी के ऊपर काले बादल की साया मंडरा रही है, तुम सब उसे खोदोगे। जी तो एक ही कहना तो क्या जरूरत है बेचारे का ढूंढने का। यही तो मात खा गए, उसकी आंख के साथ साथ वही पेट में गर्म गर्म सरिया घुसड़ देना चाहिए था। तुम्हें और नेत्रा को इस घर में हम वापस लाएंगे। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तो सबका सब कुछ क्यों छीनना चाहती हो तुम? सब चाहिए हमें, सब कुछ हमारा, तुम्हारे सारे बच्चों का हिस्सा हमारा, सबका हक हमारा। और जानती हो ना, वो पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जानते हैं तुम क्या कर सकती हो? अरे खुद माँ है तू, और एक बेटे के साथ ऐसा करते तुम्हारा कलेजा नहीं कापा? कैसे कैसे तूने मेरे, अरे 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 आराम से अरमान, अरे पानी लेकर आओ बिरे। नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे पर तुम्हारा हाथ का पानी नहीं पियेंगे। आज तुमने एक माँ को ललकारा है, याद रखना हमारी बद्दुआ तुम्हें लगेगी। एक दिन तुम भी जैसे हम तड़पे हैं हमारे बेटे के लिए, तुम भी तड़पोगी। हमको कोई बदुआ बदुआ नहीं लगती, कोई आवाज नहीं लगती, लगेगी। एक माँ की हाय, एक माँ की बदुआ लगेगी तुम्हें। कोसते तो हम उस दिन को है जिस दिन तुम्हें बहू बनाकर आरती कर घर में लक्ष्मी की तरह लाया। वो हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अरे बाप रे, भाषण बंद करो कि मर जाएंगी, इनको मारना नहीं चाहते हम। चुप रहिए, शांति रखिए। हंस ले, जितना हंसना है हंस ले, पर सोच जिस दिन तुम्हारी असलियत बंटी को पता चलेगी तब क्या होगा तेरा? क्यों हंसी बंद हो गई ना चंद्रा? एक माँ अपने बच्चों के लिए कोमल हो सकती है तो शेरनी भी बन सकती है। याद रखना, माता रानी तुझे बड़ी से बड़ी सजा देगी, और ये एक माँ का श्राप है। हमारा पारा मत चढ़ाओ, समझी तुम? और रही बात बंटी तक बात पहुंचने की, हमारी ये बात इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी, समझी आप? पकड़ो इनको वीरेन। अच्छा दादी, वो देखो वो मोबाइलिया दे दो। पकड़ो इनको वीरेन। अरे पकड़ रहा पिता, ये माँ जी को क्यों? माँ जी क्या हुआ? माँ जी बहुरिया, हमारी बात सुन। अरे आराम से, आपको क्या हुआ?
जी। दादी दादी रुपेश जाओ जल्दी डॉक्टर को फोन करो। हाँ भाभी। उल्टी होगा आप ठीक हो जाएंगे। वादा कर दोनों को घर लाएगी। मेरे केश वो बुढ़िया भले सीढ़ियों से गिरी है लेकिन हमारी हम लोगों की वजह से हम लोगों ने मार दिया उसको। हम लोग खूनी हैं। वो बेचार लाचार औरत बीमार औरत वो बिना बात के मर गई। हमारे हाथ से खून हो गया। बेबात मारी गई। नहीं नहीं जी खून का चुप। नहीं हमने नहीं मारा है। सीढ़ियों से गिर के मरी है। किसी को कुछ पता नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी यह हड़बड़ा हम दोनों को फंसा देगी। तूने हमें भी खून बना दिया बहना। हमें भी खून ही बना दिया। तुमको दूध के दूध हो हमारे हर जुर्म में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। मेरे फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। तुम हम पे इल्जाम मत डालो। सुनो विरेन, हमको पता है कि तुम घबराए हुए हो। तुम शांति रखो। हम है ना। एक बात बताओ, हम मारना चाहते थे, तुम मारना चाहते थे? नहीं, सिर्फ फुनवा चाहिए था ना। एक बार वो मिल जाता, डिलीट कर देते, फिर छोड़ देते। पर मौत पे वश है किसी का विरेन? नहीं ना, किसी का नहीं। वो खुद गिरी है सीढ़ियों से। हम तुम तो वहां खड़े थे। वो खुद माँ जी गिर गई। और तुम इस तरह से करोगे ना बिरेन, घबराए हुए, तो तुम फंसोगे, हम भी फंसेंगे। शांति शांति। क्या बकवास किए जा रही हो? वो खुद गिरी है सीढ़ियों से। सबको पता है। दादी सीढ़ियों से गिर के नहीं मरी। अपने उन्हें धक्का मारा है। दादी का पैर फिसला, उस सीढ़ी से नीचे गिर गई और वो मर गई। हम बाहर जाकर सबको बताएं। बकवास मत करो।
बिन सर पैर की बात करना बंद कर। नहीं मारा है हमने, आप नहीं मारे। हम आपसे नहीं डरते, नहीं डरते हम आपसे। हम सबको बताएंगे। किसी की नजर ना लग जाए। किसने मारा हमारी माँ को? चंद्रा आंटी ने। श्रावणी, ये जो आंखें मूंदे लेटी है ना, ये हमारी सास नहीं थी, हमारी माँ थी। माँ माना था हमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए। एक बेटी अपनी मां की जान ले सकती है? श्रावणी, हमें बताओ ये तुम क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ कहो क्या हुआ है। साफ साफ कहो, ये बकवास किए जा रही है और आप पूछ रहे हैं? साफ साफ कहो। बकवास कर रही है आप, इसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं? श्रावणी, तुम हमें बताओ बात क्या है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं अंकल, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन हाँ हमें पता है कि ये सब चंद्रा आंटी ने किए। उन्होंने जरूर कुछ किया, हमें पता है। चुप। ना सबूत, ना अपनी आंखों से देखा और लगा दिया इल्जाम, आप चुप क्यों खड़े? माँ उठिए ना,
ढूंढिए ना, देखिए ना कैसे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग आपकी बेटी पर। उठिए ना, ये देखिए ना ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, कह रहे हमने आपको मार दिया। इनसे कहिए ना हम आपसे कितना प्यार करते थे, इनसे कहिए ना कि हमने कुछ नहीं किया। आप ऐसे कैसे देख सकती अपनी बेटी के साथ ये सब होते हुए, ये इल्जाम बोलिए ना वहां। झूठ झूठ झूठ। कितना झूठ बोले कि चंद्रा आंटी, कितना झूठ, बस कीजिए। आपको दादी से कोई भी और प्यार नहीं था, आप तो दादी को पसंद भी नहीं करती थी। आप तो दादी की कहीं पर भी बेइज्जती कर देती थी। कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी चंद्रा आंटी को इस घर की बहू बनाकर। क्योंकि चंद्रा आंटी को पता चल गया था कि दादी उन पे भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने दादी को मार डाला। झूठ झूठ बोलती हो तुम। हम झूठ बोलते तो हमें बताइए कि दादी सीढ़ी से कैसे गिरी। दादी की तो तबीयत ही खराब थी ना, वो अपने कमरे से क्यों बाहर निकली बताइए बताइए। हमें कहाँ पता ये सब। क्यों, घर में तो सिर्फ आप ही थी, आपके सिवा और कोई भी नहीं था। हम अकेले नहीं थे, वीना भी थी। पूछो वीना से, भानु जी आप पूछिए पूछिए, क्या उसने नहीं देखा अम्मा जी को नीचे उतरते हुए। हम पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है ये लड़की, कल की आई हुई लड़की हम पर इल्जाम लगा रही है। इसे हमसे नफरत है, इसे हमसे तकलीफ है, ये इसलिए कुछ भी अनाम चिलाव हमारे लिए बक रही है। हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको हमसे। चुप हो जाओ तुम दोनों। बहुरिया ने देखा है तो बहुरिया ही बताएगी। बीना, ये भाभी और शमनी क्या कह रहे हैं? हाँ सच सच बताना, अम्मा के साथ उस वक्त क्या हुआ था? बिना सच सच बोलना, जो तुमने देखा वही बोलना बिना। बताओ बिना क्या हुआ था अम्मा के साथ? बिना बहुरिया, जब अम्मा के साथ ये हादसा हुआ था तो तुम उस वक्त घर पे थी ना? सच सच बताना क्या देखा। बोलो बीना। हाँ भैया, हम पानी लेने नीचे रसोई में आए थे और जाते टाइम मैंने माँ को देखा, माँ बहुत दौड़ी दौड़ी आ रही थी। हमने उनसे कहा भी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं माँ किस घबराहट में थी, लेकिन जब तक हमने माँ को रोका, माँ वहाँ सीढ़ियों से नीचे नीचे आ गए और माँ के साथ। सुन लिया,
चकमा गिरी, ना हम वहां मौजूद थे ना ये लड़की। ये हम पर इल्जाम लगा रही है, कुछ भी अनाप शनाप बकरी। बीना आंटी, आपने कहा कि दादी भाग रही थी, पर दादी क्यों भागेंगी जब उनकी तबीयत खराब थी? तो जरूर चंद्रा आंटी ने कुछ किया होगा। बीना आंटी, आपको और कुछ याद है? और क्या हुआ था? नहीं बेटा, हम तो जब तक कुछ समझ पाते, कुछ देख पाते, तब तक मुझे। लेकिन चंद्रा आंटी तो ऊपर थी ना, मुझे पता उन्होंने कुछ, इन्होंने धक्का मारा होगा दादी को। धक्का मारा होगा? तो अपने शक के बिना पे हम पर इतना सब बड़ा इल्जाम डाल रही हो? अब क्यों सुन रहे हैं ये सब, इसकी बकवास? ये होती कौन है? ये होती कौन है हमको इस तरह से बोलने वाली? आप चुप क्यों करे, बोलिए कुछ। भानु, शबरी गलत नहीं कह रही है। हमारी तुम्हारी माँ से बात हुई थी और वो बहुत घबराई हुई थी और बार बार चंद्रा का नाम ले रही थी। लेकिन हमारी उनसे पूरी बात नहीं हो पाई, अब फोन कट गया। बस वही तुम्हारी माँ के आखिरी शब्द थे और वो हमें छोड़कर चले गए। सुना सुना आपने क्या कहा उन्हें? दादी ने आपका नाम लिया, क्यों लिया? क्या पता कि उन्होंने क्यों नाम लिया और लिया भी कि नहीं लिया। हो सकता है उन्होंने गलत सुना हो सकता है ना, और हो सकता है ना कि कुछ अच्छा बोलने के लिए भी बोला हो। ये भी हो सकता है ना, अगर वो तुम्हारा नाम लेती तो अच्छा बोलने के लिए लेती। इसका नाम लेती, इनका नाम लेती, किसी का भी नाम लेती, लेकिन चंद्रा का नाम लिया तो इसका मतलब वो गलत बोलने के लिए लिया है। शब्दी, क्यों कर रही हो तुम? ये हमारे खिलाफ भड़का रही है सबको। हम गलत बोल रहे ना, तो फिर बंटी के सर पर हाथ रखिए और कसम खाइए कि आपने कुछ नहीं किया, आपने दादी को नहीं मारा। केशव, रुक जाओ केशव, एक कदम भी आगे मत बढ़ा। भैया, तुम अपनी माँ को कंधा देना चाहते, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहो। हम तुम्हें कंधा नहीं देने देंगे, और ये अपने अपवित्र हाथ है ना, हमारी माँ के पार्थिव शरीर से दूर रखो तो अच्छा है।